हाउ टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सेक्स, सेक्स करने के समय अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में बातचीत करूंगा। कहते हैं कि काफ़ी लोगों को यंग उम्र में तो मतलब ज़्यादातर लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है सेक्स करने का, एक आधी बार फेल हो जाते हैं पास्ट में और उसके बाद में फिर हिम्मत ही नहीं होती कि अभी क्या होगा। अब फेल होने का चांस मतलब या कारण अलग अलग हो सकते हैं कि भाई पहली बार बहुत जल्दी जल्दी में करना पड़ा, पहली बार कोई तो भी आ गया एकदम फटाक से, पहली बार जबरदस्ती करनी पड़ी, पहली बार बहुत डर था इसलिए ऐसा हो गया, जो भी कुछ थक गए थे इसलिए नहीं हुआ, या पहली बार बहुत गैप थी करके जल्दी हो गया। तो होता क्या है फिर, ये पहली बार का मतलब अर्लियर जो एक्सपीरियंस रहता है वो एक्सपीरियंस यदि अच्छा नहीं है तो फिर होता क्या है, सेकंड टाइम जब करने जाता आदमी तो सेकंड टाइम पूरा दिमाग में घुसा हुआ रहता है, पूरा दिमाग में घुसा हुआ है। और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का है तो यहाँ घुसा के या यहाँ घुस के कुछ होता नहीं, यहाँ घुस के उसका मतलब मेरा कहने का है कि पूरा ख्याल यहाँ है, पूरे विचार यहाँ के, होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं, कैसा वैसा, धक 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 चालू है। एक्चुअली इसको बोलते हैं समागम, समागम, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। और लड़के का या पुरुष का पूरा ख्याल जो है वो स्त्री के ऊपर होता है, जब उसका पूरा ख्याल स्त्री के ऊपर होता है, पूरा दिमाग, पूरे विचार, पूरी भावनाएं सामने होती है, तो फिर ये नेचुरल रिएक्शन हो जाएगा। क्या है कि यदि तुम्हारे दिमाग में विचार होता नहीं होता नहीं होता होता नहीं होता होता नहीं होता है चालू है तो क्या होगा, अभी सेक्स के विचार आने को मन में कोई जगह ही नहीं है, ब्रेन की पूरी जगह जो है वो व्यापकता से पूरी भरी हुई है कंप्लीटली, कौन से विचारों से होता कि नहीं होता, जमेगा नहीं जमेगा, अब सेक्स की भावना ही नहीं है, सेक्स की इच्छा ही नहीं है। इसलिए मैं हरदम बोलता हूँ कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो पहले अपनी जांच कर लो, कंप्लीटली डॉपलर टेस्ट कर लो, सीमेन एनालिसिस कर लो, बाकी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है कि नहीं देख लो, सब ठीक है। इसका मतलब क्या है, अभी तकलीफ हो रही है यहाँ तो सेक्स करने के समय अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो एक तो पूरा का पूरा 100% आपका ख्याल आपके पार्टनर के ऊपर होना चाहिए एंड यू हैव टू एंजॉय। कर्म जो है वो है फोर प्ले एक्चुअली, और फोर प्ले एंजॉय करना जरूरी है, जितना ज़्यादा फोर प्ले एंजॉय करेंगे उतना ज़्यादा सेक्स में फिर बाद में मजा आएगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो एक ही काम है कि भाई अपने ऊपर ख्याल मत दो, पार्टनर के ऊपर ख्याल दो, पार्टनर को स्टिम्युलेट करो, पार्टनर को एक्साइट करो और पार्टनर को ये बोलो कि भाई उसकी जिम्मेवारी है कि उसने अभी आपको एक्साइट करना है, उसने भी आपको स्टिम्युलेट करने का है। और बहुत ही ज़्यादा हो गया डर तो मैं बोलता हूँ सीधा पार्टनर को बोल दो कि देखो मुझे ना डर लगता है, पिछले बार ऐसा हुआ था, वैसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है सेक्स करने में, हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, चिंता मत कर मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सिर्फ डर के वजह से ऐसा हो रहा है। और ऐसा आप पहले ही एक्नॉलेज कर लेंगे, पहले अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और फिर उससे सेक्स करने में आसानी हो जाएगी। कितने सारे लोगों को मैं ठीक करता हूँ वैसे ही उनको ये बोल के कि भाई तुम एक्नॉलेज कर लो पार्टनर के साथ में पहले कि नहीं ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सर्टिफिकेट ला सकता हूँ डॉक्टर की तरफ से, चिंता मत कर, मेरे को डरा हुआ हूँ मैं और इसलिए ऐसा हो रहा है, पहले एक्नॉलेज करो डर निकल जाएगा, सेक्स क्लियर। जितना आप छुपा छुपा के रखेंगे उतना कॉन्फिडेंस नीचे नीचे जाता है। तो एक तो एक्नॉलेज करो, कबूल करो, और नहीं तो भी सीधा पूरा ख्याल पूरा फोकस एंजॉयमेंट पे रखो। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जो है कि मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा वो तकलीफ देने वाली कार्य। या फिर दूसरा और एक उपाय इसमें बताता हूँ रहता हूँ मैं कि वो है कि उनको ये बोलना है अपने पार्टनर को कि मैं सेक्स करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ मेरे को खेलने का है, सिर्फ फोर प्ले करने का है, तो क्या होगा परफॉर्मेंस का टेंशन नहीं रहेगा, अभी उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं अपने को तो करना तो है नहीं सिर्फ खेलने का है, और खेलो फोर प्ले करो, नेचुरल रिएक्शन आ जाएगा तो कर लो, मगर वो करना है वो दिमाग में रखे तो कॉन्फिडेंस निकल जाता है।
मेरे से उम्मीद है कि ये टिप्स आपको काम में आएंगी और आपका सेक्स ये टिप्स से सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।